देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नवा सिटी से है, जहां शहर में उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट द्वारा कोविड महामारी के मद्देनजर रखते हुए विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। मिली जानकारी के अनुसार उपखंड अधिकारी द्वारा नवा स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर प्राइवेट व सरकारी बसों का निरीक्षण कर यात्रियों व चालकों को कोविड महामारी के लिए जागरूक किया व 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी का संदेश दिया। साथ ही चालकों को कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए तथा उपखंड अधिकारी जाट द्वारा नामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन की जानकारी ली गई व सरकारी गाइडलाइन के अनुसार अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करने पर जोर दिया गया। उपखंड अधिकारी ने नामा तहसील कार्यालय में प्रवेश करने पर दोनों डोज वैक्सीन के लगे होना अनिवार्य करते हुए मुख्य द्वार पर रजिस्ट्रेशन में एंट्री करवाना अनिवार्य किया। साथ ही कहा कि कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।